हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फिटजी बिग बैंग इट्स टेस्ट 2022 का सैंपल पेपर। तो दोस्तों, जो ये सैंपल पेपर है वो है फॉर क्लास 8, वैसे बच्चे जो कि अभी क्लास 8 में होंगे, लेकिन बहुत जल्द इन 2023 मार्च अप्रैल से आप लोग जाएंगे इन 9th क्लास। एंड अगर बात करें दोस्तों, आप लोग क्लास 8 में होंगे, अभी करेंटली प्रेजेंट होंगे। एंड आप लोग का सैंपल पेपर का बात करें तो टोटल यहाँ पर दो पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। 3 3 आवर्स का दोनों पेपर दोस्तों, और एक ही दिन दोनों आप लोग को देना होगा। तो टोटल मतलब 6 आवर का आप लोग का एग्जाम होगा इन ए डे। एंड पेपर 1 दोस्तों ये है सैंपल पेपर, पेपर 2 भी बहुत जल्द आएगा, और जैसे ही आ जाएगा मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डेट आप लोग इन फ्यूचर देख सकें। और टाइमिंग का बात करें सैंपल पेपर का, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स का बात करें यहाँ पर 266। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन रखे गए हैं। तो टोटल आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, मतलब सिंपल पेपर, उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 का बात करें तो यहाँ पर एप्लीट्यूड टेस्ट, सेकेंड सेक्शन का बात करें यहाँ पर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेक्शन में सेम सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। एंड यहाँ पर कुछ यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग रिकमेंडेशन टाइमिंग का बात करें, तो फर्स्ट सेक्शन का 60 मिनट्स रखा गया है रिकमेंडेशन टाइमिंग, सेकेंड का 45 मिनट्स, थर्ड का 30 मिनट्स और फोर्थ का 45 मिनट्स रखा गया है रिकमेंडेशन टाइमिंग। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि आप लोग का जो फोर्थ सेक्शन है ये निगेटिव मार्किंग वाला भी है, तो यहाँ पर आप लोगों को केयरफुल होना बहुत जरूरी होगा। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात करें तो यहाँ पर 110 टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जिसका रिकमेंडेशन टाइमिंग रखा गया है 60 मिनट्स, और यहाँ पर टोटल 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोग के दोस्तों रीजनिंग से। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, एंड यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा का बात है कि मैं इसी वीडियो के लास्ट में इन सभी का आंसर की भी प्रोवाइड करूंगा, सो डेट आप लोग अपने आंसर की ओरिजिनल आंसर की से मैच कर सकें कि आप लोग का कितना सही होता है। और दोस्तों सेम इसी पैटर्न पर आप लोग का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8, मैं हर एक पेज पर दोस्तों ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को सफिशियंट टाइमिंग देने का, सो डैट आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकें। एंड यहाँ पर आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 एंड 15, और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 28 29 एंड 30। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। और अब बात आता है सेकंड सेक्शन का, जिसका रिकमेंडेशन टाइमिंग आप लोग को 45 मिनट्स रखा गया है। एंड पार्ट ए में बात करें दोस्तों तो फिजिक्स, टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फिजिक्स से। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 32 33 34 35 एंड 36। देन इसके बाद आप लोग के स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 38 एंड 39। यहाँ से दोस्तों हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, एंड यहाँ पर टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट बी केमिस्ट्री से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 41 42 43 44 45 46 एंड लास्ट वन 47, और ये 48। तो टोटल यहाँ पर दोस्तों पार्ट बी केमिस्ट्री में 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अब बात आता है पार्ट सी जो कि है हमारा मैथमेटिक्स, एंड यहाँ भी सेम 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 49 50 51 52 एंड 53। इसके बाद 54 भी आप लोग देख सकते हैं।
और अब आप लोग के स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 और इसी के साथ यहाँ पर टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट सी मैथमेटिक्स से कंप्लीट होते हैं। और अब आता है पार्ट डी बायोलॉजी, तो यहाँ भी टोटल सेम दोस्तों 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड लास्ट वन 66। तो यहाँ भी टोटल 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट डी बायोलॉजी से कंप्लीट होते हैं। और अब यहाँ पर हमारा थर्ड सेक्शन स्टार्ट होता है जिसका रिकमेंडेशन टाइमिंग सबसे कम दोस्तों 30 मिनट्स रखा गया है। और पार्ट ए में यहाँ पर फिजिक्स है, 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 67, 68 एंड 69। और ध्यान देने वाला दोस्तों बात यहाँ पर ये है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस फॉर रफ वर्क, मतलब आप लोग अगर एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट देंगे तो आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा सीट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा फॉर रफ वर्किंग। जो भी रफ वर्क करना है दोस्तों आप लोग को यहीं पर करना है। तो अब आप लोग के स्क्रीन पर पार्ट बी केमिस्ट्री, टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केमिस्ट्री से। तो आप लोग के स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75, 76, 77 एंड 78, टोटल 6 केमिस्ट्री का क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अब बात आता है पार्ट सी मैथमेटिक्स का, टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां भी। तो क्वेश्चन नंबर 79, 80, 81 एंड 82 और लास्ट वन 83। तो यार स्क्रीनशॉट ले ली होंगे। अब 84 यहाँ पर दोस्तों पार्ट डी यहाँ पर बायोलॉजी है एंड यहाँ भी टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 85, 86, 87, 88, 89 एंड 90। और हमारे यहाँ से लास्ट सेक्शन स्टार्ट होता है जिसका रिकमेंडेशन टाइमिंग 45 मिनट्स रखा गया है। पार्ट ए में दोस्तों हमारा फिजिक्स है एंड 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं फिजिक्स से। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन 91, 92, 93 एंड 94। और इसी के साथ पार्ट ए फिजिक्स कंप्लीट होता है। अब बात आता है दोस्तों पार्ट बी केमिस्ट्री का एंड यहाँ भी टोटल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 95, 96, 97 एंड 98। पार्ट सी में दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिक्स है एंड यहाँ भी टोटल 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 99, 100, 101 एंड 102। और यहाँ पर हमारा बायोलॉजी में दोस्तों टोटल 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर एक पार्ट में दोस्तों 4-4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रह रहा था, लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी में टोटल 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सीधे यहाँ पर डबल हो गया। और 103, 104, 105, 106 एंड 107, पहले तो यार इतना। एंड इसके बाद लास्ट थ्री क्वेश्चन 108, 109 एंड लास्ट वन 110। तो यहाँ पर फाइनली आप लोग का जो सिंपल पेपर था वो कंप्लीट होता है। और अब बात आता है दोस्तों फिटजी बिग बैंग इट्स टेस्ट 2022 का सिंपल पेपर था जो आप लोग का क्लास 8 पेपर वन। और सिंपल पेपर का दोस्तों ये हो गया आप लोग के स्क्रीन पर आंसर की। सबसे पहले तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक का आंसर की, देन इसके बाद 60 से लेकर 110 तक का आंसर की। और मैं एक ही स्लाइड में, मतलब एक ही पेज में दिखाना चाहूं तो आप लोग के स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 110 तक का आंसर की, और यार फाइनली यहीं पर हमारा जो सिंपल पेपर था ऑफ क्लास 8, जो वैसे बच्चे जो कि क्लास 9th में जाएंगे, पेपर 1 आप लोग यहाँ पर कंप्लीट होता है फिटजी बिग बैंग एचएस 2022 का सिंपल पेपर। और पेपर 2 भी बहुत जल्द आएगा, जैसे ही आएगा मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, और आप लोग टेस्ट को देते हैं तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ योर एग्जाम। एंड मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।